और श्री रामचरितमानस पर उंगलियां उठाने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद उनकी पार्टी के नेता बृजेश प्रजापति ने रामचरितमानस बैन करने की मांग कर डाली। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब बांदा के सपा नेता बृजेश प्रजापति ने रामचरितमानस को बैन करने की मांग की है। हमारा सरकार से मांग है कि इनको प्रतिबंधित किया जाए, इन पर बैन लगाया जाए या फिर पूरी की पूरी रामचरितमानस को बंद किया जाए। बढ़ते विवाद को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सपा का इतिहास श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से ही राम विरोधी रहा है। हालांकि संभल के एसपी सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क ने कहा है कि किसी भी धार्मिक पुस्तक की तौहीन करना जुर्म है। बहरहाल हजरतगंज कोतवाली में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR दर्ज की गयी है।